गुंजा को साधने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पहले वो जनसंपर्क मंत्री थे। राजेंद्र शुक्ला रीवा विधानसभा सीट से पांचवी बार विधायक बने हैं। इस बार वो 21,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा कर चुनाव जीते हैं। जैसे ही उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खबर सामने आई, वैसे ही रीवा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ लग गई। उनके घर के बाहर ढोल बजने लगे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनके परिवार के लोग और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है। फिर से मिली है, कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जबरदस्त उत्साह है, हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा विंध्य क्षेत्र खुशी मना रहा है, जगह जगह ढोल नगाड़े और पटाखे फूट रहे हैं। आप देख रहे हैं जिसे मंत्री जी के यहाँ तो है ही, पूरे शहर में खुशी है क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी सबके दिलों में बसे हुए हैं और एक जन नेता है विंध्य क्षेत्र के और लोग बहुत मानते हैं उनको। उसी का परिणाम है कि जैसे ही समाचार प्रसारित हुआ कि डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, अत्यंत खुश हैं, कार्यकर्ताओं में जोश तो है ही, आम जनता बहुत खुश है क्योंकि अब रीवा को कोई महानगर बनाने से नहीं रोक सकता। इस बात की खुशी पूरे रीवा नगरवासियों को है। विंध्य क्षेत्र सिरमौर बनेगा, माननीय मंत्री जी की जो इच्छा थी आज वो हम सबको सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी का दिन है, हम बहुत गौरवान्वित, बहुत खुश हैं, पूरा विंध्य क्षेत्र खुश है। ऐसी अपेक्षा हम सबको बहुत समय से थी, आज विंध्य को उसका हक मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने रीवा और विंध्य को यह गौरव देने का क्षण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जानकारियां मिली हैं, उन्होंने अपने कार्य से सिद्ध कर दिया कि वो इस पद के योग्य थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस विंध्य को यह अवसर दिया, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को यह अवसर दिया कि पूरे प्रदेश को चमकाने का काम वो अब करेंगे।